सो है गाइस, आप सब कैसे हो? बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। तो वीडियो है मेरा GoPro के रिगार्डिंग। तो जिसको पता नहीं मैं बोल देता हूँ, हमारा जो GoPro था, GoPro Hero 9, वो खो गया था, ठीक है। मतलब अभी भी खो ही गया है, मुझे नहीं मेरा GoPro। तो मैंने जो मेरा जो सेकंड वाला चैनल है बाइक नंदी नाम से, मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने दो वीडियो डाला था, मेन चैनल पर मैंने वीडियो नहीं डाला था, उसका कुछ रीज़न था। तो वहाँ पर मैंने अपडेट दिया था कि जो हमारा GoPro है वो खो गया था, ठीक है, मतलब खो गया है। तो अभी मतलब बहुत तकलीफ में चल रहा हूँ कुछ दिनों से, दिन अभी अच्छा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी के पास सेकेंड हैंड GoPro है अच्छे बजट में तो मुझे बोलना, मुझे अभी ज़रूरत है, क्योंकि ब्लॉग नहीं आ रहा तो आपको पता ही होगा। तो मतलब मेन चैनल मैंने अपडेट नहीं दिया था, उसके बहुत सारा कारण था। मैंने सोचा था कि अगर मेन चैनल पर वीडियो दूँगा तो सब सोचेंगे कि स्क्रिप्टेड कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने पहले वीडियो नहीं दिया था। तो बट अभी सोचा कि सबको अपडेट कर ही देता हूँ, नहीं तो बहुत सारा कमेंट आ रहा है, वैसे इंस्टाग्राम पे भी DM आ रहा है कि भैया ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो यही रिगार्डिंग है कि हमारा जो GoPro था वो GoPro गिर गया है, ठीक है। तो कैसे गिरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। पहले मतलब मैं यहाँ पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा, और सब देख सकते हो कैसे हुआ था, मतलब पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ था। तो मैं जस्ट यहाँ से एक ये शांति रोड पकड़ लो आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ से जा रहा था, यहाँ से जा रहा था और पूरा खाली रोड था, ठीक है। 120 समथिंग स्पीड था, पूरा खाली रोड था, दोपहर के 2 बजे समथिंग था, तो पूरा रोड एकदम खाली था। तो हम जस्ट यहाँ से जा ही रहे थे, पूरा एकदम खाली रोड था, ठीक है। 3 कबूतर मेरा मतलब रोड के लेफ्ट साइड में था, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ से क्रॉस ही कर रहा था, अचानक से जो 3 कबूतर था वो मतलब जब भी मैं सामने आया वो अचानक से उड़ गया, और उड़ने के बाद ही मेरा जो हेलमेट था, मैं 120 ऐसे कुछ स्पीड में जा रहा था, ठीक है। अचानक से वो 3 कबूतर साइड से उड़ा, उड़ने के बाद मेरा जो हेलमेट था, हेलमेट के ऊपर एकदम आया, मतलब मैं ऐसे जा रहा था, अचानक से उड़ा, हेलमेट के यहाँ पे लगा, मैं जस्ट मुँह नीचे कर दिया था, तो यहाँ पे लगा, लगने के बाद ही मैंने यहाँ पे हाथ मतलब टच किया, तो दिखा कि GoPro मेरा क्लिप से ऑलरेडी चला गया था, एंड जो मेरा भाइजर था वो भी पूरा टूट गया, मतलब इधर इधर से जो क्लिप था, भाइजर पूरा ओपन हो चुका था, एंड जो GoPro था वहाँ पे गिर गया था। तो 120 की स्पीड में ऐसे हुआ था, तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुद भी बहुत ट्राई किया मतलब ढूंढने के बाद नहीं मिला वहाँ पे, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग मैंने एक पोस्ट डाला था, मतलब वहाँ पे होने के बाद ही मैंने नॉर्मल एक वीडियो किया था, हिंदी में ही किया था। तो वहाँ पे मेरा जो हिंदी था उतना मैं मतलब मुंह से निकल ही नहीं रहा था मेरा हिंदी, ठीक है। मतलब क्या ही बोले, मेरा GoPro खो गया, कैसे हिंदी मैं बोलूँगा। मतलब मैं बंगाली मीडियम से हूँ, बट मेरा जो ऑडियंस है वो 60-40 ऐसे कुछ है, ठीक है, हिंदी एंड बंगाली मिला के। तो मैं नहीं चाहता मैं सिर्फ बंगाली में ब्लॉग करूँ, और आपको पता ही होगा कि बंगाल का कम्युनिटी कितना छोटा है, सिर्फ वेस्ट बंगाल और मणिपुर या फिर त्रिपुरा आसाम, ये 2-3 स्टेट ही है बस, और नहीं तो कोई समझ में नहीं पाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे सिर्फ बंगाली वाला ही देखे, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा मुझे पूरा ऑल इंडिया देखे। अगर मेरा कंटेंट अच्छा है तो मैं क्यों नहीं हिंदी में ब्लॉग बनाऊँ, है ना। मेरा हिंदी कमज़ोर है, बट तब भी हम लोग 1,40,000 सब्सक्राइबर, 1,40,000 फैमिली हम लोग ऑलरेडी कर लिया है। तो धीरे धीरे मैं हिंदी भी इम्प्रूव कर लूँगा, अभी तो हमारा मतलब 1,00,000 हो गया तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बट अभी GoPro हो गया उसके लिए बहुत ख़राब लग रहा है। तो इस रिगार्डिंग मैंने वहाँ पे लोकल जो वहाँ पे एरिया था ना, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने वहाँ पे एक ग्रुप पे एक पोस्ट डाला था, मेरा जो हिंदी में जो ब्लॉग था वो वाला पोस्ट वहाँ पे डाला था, ठीक है। तो डालने के बाद वहाँ पे लोग इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि यार तू बंगाली है, हिंदी में क्यों ब्लॉग बना रहा है, यार यहाँ पे तो ज़्यादातर ऑडियंस हिंदी में है, तो तू हिंदी में मतलब बंगाली में ब्लॉग बना सकता था, इतना कूल बनने का क्या ज़रूरत है, क्या ऐसा पैसे के लिए कर रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक अकाउंट का नाम लेकर मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन क्या क्या मैसेज किया था। तो मैं सबका जवाब दूंगा, बट एक ने तो बोला, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो कबूतर था उसका मतलब तभी मेरा दिमाग में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको पायरा बोल दिया, मतलब बंगाली में पायरा बोलते हैं। तो उसको लेकर इतना सारा लोग क्रिटिसाइज़ किया, मैं नेक्स्ट दिन जाके बंगाली में वीडियो बना के आया, इसीलिए कि अगर किसी को मिलेगा तो मुझे दे देगा, बट अभी तक तो मिला नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन क्या कमेंट किया था, रुको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है नील प्रिया दास ने, बांग्ला ही बोलते कि लज्जा लगे ना भाई, लज्जा लगे ना, बट सेम मुहूर्त बांग्लाटा बेरोई नहीं, कारण हमारे ऑडियंसटा हिंदीतेই ছিল, তার জন্য আমি হিন্দিতে বানিয়েছিলাম। যাই হোক, আমাকে অনেকে অনেক অনেক বাজেভাবে ক্রিটিসাইজ করেছে। তো একজন আর্মি ছিলেন, নামটা আমি নিচ্ছি না, তো তিনি নাকি তিনি বলেছিলেন যে এইসব ভিউজ কে লিয়ে কর রহে হ্যায়, এইসব কুছ নেই হ্যায়, এইসব আলতু ফালতু পোস্ট হ্যায়, গ্রুপ মে মাস্ট আপলোড করো, এইসব ভিউজ কে লিয়ে কর রহে হ্যায়, এসা পোস্ট আপলোড মত করো, এসা ওয়ালা কুছ লিখা থা, ওর কমেন্ট আমি ডিলিট কর দিয়া। তো আগর তুম ভিডিও দেখ রহে হো তো মে তুমকো বোল রহা হুম, ঠিক হ্যায়, কমেন্ট ডিলিট না করকে
सामने सामने बोल सकते हो तुम तो, तुम मुझे जानते नहीं हो पहली बात तो, मैं तुम्हें जानता नहीं तो तुम मुझे ना जान के उल्टा सीधा बोल रहे हो। अगर मैं पैसे के लिए अगर मैं मतलब ये नाटक करता तो मैं मेन चैनल पर थोड़ी ना डालता, मैंने तो मेन चैनल पर कोई अपडेट भी नहीं दिया था। मेन चैनल मेरा मोनेटाइज है, अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, मैं चाहता तो मेन चैनल पर ही डाल सकता था, नहीं मैंने मेन चैनल पे नहीं डाला था, मैं तो सेकंड चैनल था, 200 कुछ सब्सक्राइबर था, मैंने वहाँ पे डाला था। अभी वहाँ पे 2000 समथिंग कुछ हो गया, मैं शॉर्ट्स वायरल गया इसलिए, बट तब 200 सब्सक्राइबर था चैनल पे, तो मैंने जस्ट अपडेट के लिए डाला था कि अगर किसी को मिले तो बता देना, अगर मुझे पैसे के लिए ज़रूरत था तो मैं मेन चैनल पर अपलोड करता, तो इसीलिए मैंने मेन चैनल पर अपलोड नहीं किया था। बट क्या करें लोग, मतलब गलती हुआ तो हो गया था कि बंगाली में वहाँ पर मैंने नहीं बोला था, बट कोई नहीं। यहाँ पे लिखा था सत्यदीप मिताथुर ने कि हिंदी बोल के ज़्यादा कूल मत बन, मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला है, तो जयोग सॉरी बंगला बांग्लादेश बोल तो मानुष यार सॉरी हिंदी में बोल रहा था कि सबको समझ आ जाए, मतलब इंसान को ये चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा गोप्रो मेरा कैमरा खो गया, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ेगा भी नहीं क्योंकि वो मेरा चीज़ है। तो मेरा मैं बंगाली होके उस लोकल एरिया में मतलब हिंदी थोड़ा गलत बोल दिया, इसलिए लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट कोई नहीं यार, मैं ये उल्टा सीधा मतलब ये टूट फूट मतलब आधा आधा बंगाली आधा हिंदी बोलकर ही मैंने इतना सारा ऑडियंस इतना सारा फैमिली मैंने कर लिया है, तो कोई नहीं अभी मतलब हिंदी में सुधार लेंगे धीरे धीरे, और एक दिन हम लोग अभी तो जस्ट 1 लाख हुआ है, एक दिन 10 लाख भी होगा, हमारा सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है, तो Q&A वीडियो भी तो बहुत जल्दी करेंगे, और हाँ अगर किसी के पास GoPro मिले तो मुझे बताना, ठीक है, और मतलब बहुत परेशान हूँ ब्लॉग नहीं आ रहा तो और हाँ ये ग्रुप में मैंने वीडियो डाला था, ठीक है, एक ग्रुप का नाम मैं बोल देता हूँ एक बार, रुको, यहाँ पे ग्रुप का जो नेम है वो पार्थो शायद समथिंग कुछ नेम है, ठीक है, पार्थो शायद समथिंग कुछ नेम है ग्रुप का, और अंकित ने डाला था, तो अंकित को भी बहुत सारा मतलब बात सुनने के लिए मिला, और मुझे तो लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला ही, तो हाँ मतलब खराब लगा देख के उस रात को मैंने जब सबका कमेंट पढ़ा धीरे धीरे, मुझे खुद से बहुत खराब लगा कि लोगों का मेरा GoPro खो गया, अगर वीडियो तुम शेयर भी कर दोगे तो भी चलता, बट तुम सिर्फ लोगों को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हो, बट कोई नहीं, अभी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचे नवाने का कोशिश कर रहे हैं कि मैं थोड़ा ऊपर ज़्यादा चला गया था ना, बट कोई नहीं, अभी बहुत दूर जाना है, और अभी तो जस्ट 1 लाख हुआ है, एक दिन 10 लाख भी करेंगे हमारा फैमिली, ठीक है, तो आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बट अपडेट देना ज़रूरी था कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा, तो एक नया कैमरा लेना पड़ेगा, और नहीं तो देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि मेरा जो ओस वाला कैमरा था वो अभी 9 मंथ हो रहा था, और 12 मंथ का मेरा EMI था, तो अभी भी EMI बाकी है उस कैमरा का, और कैमरा भी खो गया, अभी नया कैमरा भी लेना पड़ेगा, तो सोच रहा हूँ कि सेकेंड हैंड ले लूँ, या फिर देखता हूँ अगर किसी के पास कोई अच्छा हो मतलब सेल करने के लिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में बोल सकते हो, या फिर कॉमेंट में भी बोल सकते हो, ठीक है, तो हाँ ये बस छोटा सा अपडेट देना था, और अगर उस इंसिडेंट का आपको ब्लॉग देखना है तो मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे, वहाँ पर जाके देख सकते हो, या फिर बाइकर नोन आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको 2 वीडियो फोन में मिल जाएगा, ठीक है, सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर किसी को अगर भाई लोग तो बोल रहे हैं कि हमारा GoPro लेकर जा, जॉली राइडर बोल रहा था, सुबोधा बोल रहा था कि हमारा GoPro लेकर जा वीडियो कर, बट वो क्या है ना, जो खुद का चीज़ खुद का होता है, अगर किसी का लेकर आओ फिर से अगर खो गया तो क्या होगा, बट कोई नहीं, अभी अगर किसी को मिले तो भाई दे देना, तुमको जो चाहिए मैं दे दूँगा, पैसा चाहिए पैसा दे दूँगा, या फिर अगर SD कार्ड भी अगर मिल जाएगा, वहाँ पर 5 या फिर 6 ब्लॉक था इसका, माइलेज टेस्ट का वीडियो करके ही आ रहा था मैं, बट कोई नहीं, सोचो इस गर्मी में मैं 2 बजे वीडियो शूट करके आ ही रहा था, और ऐसा वाला सीन हो गया, तो कोई नहीं, अगर नया कैमरा खरीद पाएंगे तो आपको ब्लॉग देने के लिए मिलेगा, और नहीं तो अगर सेकेंड हैंड भी अगर खरीदेंगे तो आपको अपडेट कर दूँगा, तब तक के लिए ब्लॉग थोड़ा ऑफ रहेगा, फ़ोन से जितना हो पाएगा हम करेंगे, ठीक है, और इस बाइक से अगर कोई भी आपको ब्लॉग देखना है तो बताना आप, मैं ट्राई करूँगा वो कवर करने का, ठीक है, सो इस ब्लॉग में इतने गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चढ़ा बाय बाय।